नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोक मीडिया और मैं हूं आपके साथ तरुणा। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आचार संहिता लगने वाली है, तो आज हम आचार संहिता के बारे में विस्तार से आपको बताएंगे। यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। छत्तीसगढ़ समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आचार संहिता लगने वाली है, तो चलिए जानते हैं आचार संहिता होती क्या है। देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है, जिसे आचार संहिता कहा जाता है। लोकसभा या विधानसभा चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है। आचार संहिता लागू कब होती है? आचार संहिता चुनाव की तारीख की घोषणा के साथ ही लागू हो जाती है। अलग अलग राज्यों की विधानसभा के चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं, ऐसे में चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव कार्यक्रमों की ऐलान करते ही आचार संहिता लागू होती है। कब तक लगी रहती है आचार संहिता और इसके नियम क्या है? चुनाव प्रक्रिया संपन्न होने तक आचार संहिता लगी रहती है। चुनाव आचार संहिता लागू होने के साथ ही कई नियम भी लागू हो जाते हैं, जिसका उल्लंघन कोई भी राजनीतिक दल या नेता नहीं कर सकता। सार्वजनिक धन का उपयोग नेताओं को फायदा पहुँचाने वाले काम के लिए नहीं होगा। सरकारी गाड़ी, विमान या बंगले का उपयोग चुनावी प्रचार प्रसार के लिए नहीं किया जाएगा। इस दौरान किसी भी तरह की सरकारी घोषणा, लोकार्पण और शिलान्यास नहीं होगा। किसी भी प्रत्याशी नेता को रैली करने के लिए सबसे पहले पुलिस की अनुमति लेनी होगी। किसी भी चुनावी रैली में धर्म या जाति के नाम पर वोट नहीं मांगे जाएंगे। सरकार के होर्डिंग, पोस्टर, विज्ञापन के बोर्ड हटा दिए जाते हैं।